अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ द मलेशियन टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोग्राम के बारे में, MTCP। इसके लिए मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये MTCP स्कॉलरशिप 2024 है। इसकी जो डेडलाइन है वो 14 जुलाई 2024 है और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो 45 है और ये मास्टर लेवल प्रोग्राम है और इसके लिए जो CGPA रिक्वायरमेंट है वो 3.5 है। IELTS TOEFL इसके अंदर चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास IELTS TOEFL नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी इसमें चल जाएगा। इसके अंदर जो आपको अमाउंट मिलेगी पर मंथ, वो उन्होंने बताई हुई है मलेशियन करेंसी में 3,500। अगर आप इसको US डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये आपको मंथली मिलेंगे $745 ईच मंथ 2 ईयर्स के लिए। अभी मैं चला जाता हूँ कि इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपने जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई स्कॉलरशिप, इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक और भी चीज़ बताई है, ड्यूरेशन ऑफ द अवार्ड इज बिटवीन 24 to 26 months फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, यानी कि ये 3 ईयर्स तक भी ये प्रोग्राम जा सकता है। अगर आपकी स्टडी 2 साल से बढ़ती है, जैसे आपकी कोई इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट हो जाती है या कुछ और इस टाइप का कुछ आपका सिलसिला बनता है, या आपके कोई दो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं अपनी स्टडी के अंदर, तो फिर भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अप्लाई स्कॉलरशिप। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पर ये देखें, ये सिर्फ मास्टर डिग्री ही शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आपने अपना फुल नेम, यहाँ पर आपने 2 दफ़ा अपना पासवर्ड को टाइप करना है और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई, इसलिए मैं अब यहाँ पर नहीं कर रहा। आपने यहाँ पर आना है, जहाँ पर लॉग इन लिखा है आपने यहाँ पर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आके आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है, जो अभी आपने सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। इन दोनों चीज़ों को एंटर करने के बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी ये देखें, ये मुझे दिखा रहा है कि जी आपने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंदर आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है। अभी मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ पर आके सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी यहाँ पे आएगी एप्लीकेशन, आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है उसको आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है। यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो होगा कि जी आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को, उसके स्टेप्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे और उसको आप अपने फिल करेंगे। मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह, जैसे फंस गया मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है व्यू डिटेल, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है, जनरल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वर्क एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जिसे मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं, उसके बाद अपलोड एंड डिक्लेरेशन, इस तरह करके ये सारे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एकेडमिक ईयर्स को सिलेक्ट कर लिया, किया हुआ है, जैसे अभी तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया हुआ है। यहाँ पर फिर मैंने मास्टर डिग्री, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया जिसके अंदर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लिया मास्टर, जिस कोर्स के अंदर आपने वो देखना है, आपने उसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपका कोर्स ऑफर हो रहा है, वरना आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। यहाँ पर पर्सनल डिटेल के ऊपर आ जाता हूँ। अभी यहाँ पर देखें, पर्सनल डिटेल के ऊपर आपने यहाँ पर पार्टिकुलर ऑफ अप्लीकेंट्स, आपने उसके सारे जो जिसके लिए आप अप्लाई करें, जैसे आप अप्लाई करें तो आपने सारी यहाँ पे अपनी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे आपकी तस्वीर लग जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद मेलिंग एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको नहीं खोल रहा इसलिए कि उसके यहाँ पर प्राइवेसी है। तो यहाँ पर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, वो यहाँ पर आ जाएगा जिससे जिसके साथ वो रब्ता करें अगर एमरजेंसी की सूरत हो। यहाँ पर अभी मैं चला जाता हूँ अकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर। अकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे आपने अपनी जो है वो अकेडमिक बैकग्राउंड, वो यहाँ पे आपने बतानी है।
जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जी स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने उसको बताया हुआ है कि जी बैचलर किया हुआ है और मास्टर किया हुआ है, लेकिन अब वो दोबारा मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने एकेडमिक एंड फाइनेंशियल अवार्ड उसका है, अगर आपके पास है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये फिलहाल यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखने देगा इसलिए कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे उर्दू किया हुआ है नेटिव लैंग्वेज, और यहाँ पे मैंने एक्सीलेंट एक्सीलेंट किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने वैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको ज़ीरो लगाना है, आपने यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा। एनीवे यहाँ पे मैं चला जाता हूँ वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करें। जैसे मैंने ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, आपने अपने हिसाब में उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अभी आपने क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, आपने भी अब सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड इसको आपने फिल करना है। तो यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन है इसको आपने नो नो कर देना है, जितने भी टोटल हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे भी आपने नो किया, सबको आपने नो कर देना है। इसके बाद आपने चलाना है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, जैसे मोटिवेशन लेटर बोलते हैं वो, आपने यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर जो है उसको टाइप कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपलोड के ऊपर। अपलोड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आगे अपने जितनी भी आपकी एकेडमिक जो हैं वो चीज़ें आपने वो जहाँ पे अपलोड करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पासपोर्ट वो अपलोड कर दी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट वो आपने यहाँ पे अपलोड कर दी। ज़रा अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर की कर दी, अगर आपने मास्टर भी किया हुआ है तो अब भी आप बैचलर की भी करें और मास्टर की भी करें। यहाँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने अपनी CV को, यहाँ पे आपने अपनी जो है मेडिकल रिपोर्ट, यहाँ पे आपने अपनी अपलोड करनी है मेडिकल रिपोर्ट फ्रॉम MTCP स्कॉलरशिप, ये आपने मेडिकल रिपोर्ट जो भी आपकी है जो फिलहाल आपके पास है वो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम टू रेफरी टू सपोर्ट योर अप्लीकेशन वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, जो आपके पास इस वक्त हैं वो यहाँ पे जाके अपलोड कर दें। उसके बाद एडमिशन लेटर अगर तो आपके पास है तो कर दें, वरना इसको छोड़ दें, ये भी आपका इस तरह हो जाएगा। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर आप आ जाएं, तो यहाँ पे आके आपने चारों चीज़ों को यहाँ पे टिक करना है, और टिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको नो करना है, और नीचे यहाँ पे आएगा सबमिट का बटन, तो आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इस तरह करके आपकी ये वाली जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर जो मेन जो इसके अंदर जो चीज़ है वो यही है कि आपका जो CGPA है वो 3.5 होगा, तो तभी आपके कोई चांस है कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।